बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे, हर किस्म की तकलीफ़, दर्द और परेशानी से महफूज रखे, आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी का करते हैं आगाज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ देसी स्टाइल में जो है वो मूलियों के पराठे। तो आइए देखते हैं मूलियों के पराठे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जो है वो हम खेत में से जो ताज़ा और फ्रेश जो मूलियां हैं वो ले लेंगे। अब हम जो है वो पराठे के अंदर डालने के लिए जो है वो फ्रेश जो है वो मेथी वो तोड़ लेंगे। ये देखें हमने मेथी तोड़ ली है। अब हम पराठों के अंदर डालने के लिए जो है वो सब्ज मिर्चें जो हैं वो तोड़ लेते हैं। सब्ज़ मिर्चें तोड़ने के बाद अब हम पराठों के लिए जो है वो सब्ज़ धनिया जो है वो भी तोड़ लेते हैं। ये देखिए मूलियों के साथ जो हैं वो पत्ते जो हैं वो हम लोगों ने अलग कर लिए हैं। अब हम ये पत्ते जो हैं वो अपनी बकरियों को डालेंगे। ये देखिए नाज़रीन, मूलियों को अच्छी तरह कद्दूकस करके इसमें मेथी और धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो हमने शामिल कर ली हैं। अब हम पराठे बनाने स्टार्ट करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप लोग, कुछ पेड़े जो हैं वो बना के जो हैं वो साइड पे रख लिए हैं। ये मैं आपके साथ देसी स्टाइल में जो है वो देसी चूल्हे पे जो है वो मूलियों के पराठे जो हैं उनका तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अब हम इस रोटी के अंदर जो है वो मूलियाँ जो हैं वो लगाएंगे और इसके ऊपर अपनी दूसरी रोटी रख के तो इसको अच्छी तरह बंद करेंगे ताकि मूलियाँ जो हैं वो इसके अंदर से बाहर ना आए। अब हम जो है वो इस पराठे को जो है वो चूल्हे के ऊपर अच्छी तरह पकाएंगे। अब हम इस पराठे का जो है वो साइड चेंज करेंगे और इसको घी लगा के जो है वो देसी घी जो है उसके अंदर मैं बना रही हूँ। देसी घी लगा के इसको अच्छी तरह जो है वो पकाएंगे।
ये देखें नाज़रीन, हमारा जो मूलियों का पराठा है वो तैयार हो चुका है। इसके ऊपर अब हम मक्खन लगाएंगे और जो है वो मक्खन के साथ ही हम इस पराठे को जो है वो सर्व करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलें। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।